हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे HDFC मनी बैक क्रेडिट कार्ड के बारे में कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है, इसमें हमें क्या बेनिफिट्स, क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और साथ ही इसके चार्जेस वगैरह क्या हैं, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको अगर आप अप्लाई करते हो तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी इस क्रेडिट कार्ड से संबंधित, यानी इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों, वीडियो को बढ़ने से पहले यानी अपने टॉपिक पे आने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, और ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, जब भी मेरी वीडियो अपलोड होती है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं HDFC मनी बैक क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि काफ़ी कमाल का क्रेडिट कार्ड है। आपको बहुत ही कम सैलरी पर मिल जाता है और बहुत ही कम इनकम के ऊपर ही आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। मैं समझता हूँ कि ऐसा क्रेडिट कार्ड है कि जो भी लोग काम करते हैं, मतलब जो भी सैलरीड पर्सन या जो बिज़नेस वाले लोग हैं, उनको बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी मिल जाता है। इसका अप्रूवल जो बहुत आसानी से मिल जाता है। तो ये क्रेडिट कार्ड जो है ज़्यादातर हमें इसमें भी देखने को मिलता है, प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड में भी देखने को मिलता है कि यही क्रेडिट कार्ड हमें दिया जाता है। जब हमें प्री अप्रूव का ऑफ़र मिलता है तो भी यही क्रेडिट कार्ड हमें देखने को मिलता है। तो बहुत ही आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। तो आज जानेंगे कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है, इसमें हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं और क्या इसके फीचर्स हैं, यानी खासियत इसकी क्या है, और साथ ही इसके चार्जेस के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा, और इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, यह भी आप जान जाएंगे इस वीडियो से। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में, यानी कि जो इसके हाईलाइट्स हैं उसके बारे में, तो इसको हम बेनिफिट के तौर पर भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 2x रिवार्ड पॉइंट्स देखने को मिलता है। जितने भी आप ऑनलाइन स्पेंडिंग करते हो, जो भी आप ऑनलाइन अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके पेमेंट करते हो, उस पर आपको 2x यानी दोगुना रिवार्ड पॉइंट्स देखने को मिलता है। और ये जो रिवार्ड पॉइंट्स होते हैं ना, आप इनको कैश में जो है रिडीम कर सकते हो, कैशबैक के तौर पे आप इसको जो है रिडीम कर सकते हो, और उस कैश का इस्तेमाल जो आपने जो रिवार्ड पॉइंट्स कैश में कन्वर्ट किया है उसमें जो है आपने रिडीम किया, आप उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हो अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करने के लिए। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर्स में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 150 रुपये खर्च करने पर, हर 150 रुपये खर्च करने पर आपको 2 रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे, और इसके अलावा आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर, इसको हम बेनिफिट भी मान सकते हैं, इसका फीचर भी मान सकते हैं। तो 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको हर बिलिंग साइकिल पर देखने को मिलेगा, 400 रुपये से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन पे, 400 रुपये से ज़्यादा के फ्यूल ट्रांजैक्शन पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा, और ये हर महीने यानी कि हर बिलिंग साइकिल पर हम जो 250 रुपये तक जो है ले सकते हैं जो वेवर है, यानी 250 रुपये तक की बचत हमारी होगी हर महीने, 250 रुपये तक मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल जाएगा हर महीने। इसमें इस क्रेडिट कार्ड में आपको 0 लायबिलिटी मिलती है, यानी कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, और उससे कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो जाता है या ट्रांजैक्शन ना भी हो तब भी, तो इस तरह स्थिति में, इस तरह कंडीशन में आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है। हालांकि एक जिम्मेदारी आपकी है जो कि बहुत अहम जिम्मेदारी, कि आपको अपने बैंक को तुरंत ही रिपोर्ट करना होगा कि आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया या गुम हो गया है, तो आपकी जो है कोई भी इस पर जिम्मेदारी नहीं बनेगी, 0 लायबिलिटी मिलेगी आपको। यहाँ पे आपको 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड मिलता है, जो कि आपको आजकल हर क्रेडिट कार्ड के अंदर देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पे आपको किसी क्रेडिट कार्ड में 48 दिनों का, किसी में 45 दिनों, मतलब ऐसे ही होता है आमतौर पे। अब यहाँ पे आपको बेनिफिट्स के बारे में बताएं तो आपको इसमें ढेरे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जैसे कि आपको आपका क्रेडिट कार्ड मिला तो उसके शुरू के जो 90 दिन होते हैं आपने जो है उसमें 10,000 रुपये खर्च कर लिए, तो 10,000 रुपये खर्च करने पे जो आपको फर्स्ट ईयर की फ़ीस लगने वाली होती है वो माफ़ हो जाएगी। तो ये भी एक काफ़ी कमाल का फीचर है, 90 दिनों में आपने जो है 10,000 रुपये खर्च किए, फीचर नहीं ये बेनिफिट है, 90 दिनों में आपने 10,000 रुपये खर्च किए तो आपको फर्स्ट ईयर की फ़ीस नहीं लगेगी, वो जो है वेव्ड हो जाएगी या रिवर्स हो जाएगी। अब बात करते हैं रिन्यूअल फ़ीस के बारे में, या फिर हम बात करें एनुअल फ़ीस, यानी इसको हम रिन्यूअल फ़ीस भी कह सकते हैं, एनुअल फ़ीस भी कह सकते हैं, जो आपको दूसरे साल से लगना शुरू होती है, तो इसको भी ये भी माफ़ कर दी जाएगी। अगर आप जो है 50,000 रुपये खर्च कर लेते हो साल भर में, तो इसको भी माफ़ कर दिया जाएगा, यानी ये भी माफ़ हो जाएगी 50,000 रुपये साल भर में खर्च करने पर, अगर आप क्रेडिट कार्ड से खर्च कर देते हो तो 50,000 रुपये। और यहाँ पर अगर आप हर क्वार्टर में यानी हर तिमाही में 50,000 रुपये खर्च करते हो तो आपको 500 रुपये तक का ई गिफ्ट वाउचर देखने को मिलता है, यानी कि आपको हर तिमाही में अगर आप 50,000 रुपये खर्च करते हो तो आपको गिफ्ट वाउचर मिलेगा। यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग बोनस के तौर पे, यानी जब आप ये क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आपको जो है
500 रिवार्ड पॉइंट्स जो है ज्वाइनिंग बोनस के तौर पे मिल जाते हैं, और साथ ही आपको रिन्यूअल बोनस भी मिलता है, यानी कि उसमें भी आपको 500 रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जिसको हम जो है रिन्यूअल बोनस बोलते हैं। और दोस्तों, इसमें आपको एक और काफ़ी कमाल का बेनिफिट ये देखने को मिलता है, हर महीने अगर आप कम से कम 4 ट्रांजेक्शन कर देते हैं तो आपको जो है 50 लाख तक का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। और साथ ही 180 दिनों में आपने जितने भी जो 5000 से ऊपर के सामान खरीदे अपने क्रेडिट कार्ड से, तो अगर उनका नुकसान होता है कि जैसे कि आग में जल गए या फिर चोरी हो गए, तो उस पर भी आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो ये काफ़ी कमाल का बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके फीस और इसके चार्जेस के बारे में कि इसमें क्या फीस और चार्जेस लगते हैं। तो इसकी ज्वाइनिंग फीस होती है 500 रुपये, और इसी तरीके से इसके एनुअल फीस यानी रिन्यूअल फीस है 500 रुपये, और जो इस पर इंटरेस्ट रेट जो आपकी बकाया राशि जो आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट रेट पड़ेगा वो होगा 3.49%, यानी 3.49% पर मंथ। कैश विड्रॉल पे जो आपको फीस लगने वाली होती है, चार्ज लगने वाला होता है, 2.5% का आपको जो है चार्ज पड़ेगा, लेकिन मिनिमम 500 रुपये, यानी कि जो भी इसमें से ज़्यादा होगा, अगर जो है 2.5% यानी 2.5% जो है ज़्यादा होता है तो आपको जो है ये पड़ेगा, और अगर 500 रुपये जो है ज़्यादा होता है तो आपको ये पड़ेगा, यानी कि 2.5% अगर 500 रुपये से कम है तब भी आपको 500 रुपये का इस पर चार्ज पड़ जाएगा। अब कैश एडवांस जो है लिमिट इसकी जो दी जाती है वो 40% की लिमिट होती है, यानी कि आपके क्रेडिट लिमिट के जो है 40% की लिमिट आपको कैश एडवांस लिमिट दे दी जाती है। अब यहाँ पे आपको रिवार्ड रिडेम्पशन फ़ीस भी लगती है, पर रिक्वेस्ट का आपको जो 99 रुपये फ़ीस देनी होती है, तो आप जो है खुद ही से रिवार्ड को रिडीम कर लें तो बेहतर है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे लेट पेमेंट चार्जेस की, तो 100 रुपये से अगर नीचे का अमाउंट है तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन जैसे ही 100 रुपये से 500 रुपये तक का अमाउंट गया आपको जो 100 रुपये चार्ज देने होंगे, 501 से 5000 तक का अगर अमाउंट है तो 400 रुपये आपको चार्ज देने का, 5001 रुपये से अगर अमाउंट है 10,000 तक का तो आपको 500 रुपये चार्ज देने होंगे, और 10,000 और उससे ऊपर के अमाउंट पे आपको 750 रुपये चार्ज देने होंगे। ओवर लिमिट करने पे अगर आपने ओवर लिमिट कर दिया यानी लिमिट से ज़्यादा अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लिया, तो यहाँ पे आपको 2.5% का चार्ज लगेगा, जितने भी आपने अपने ओवर लिमिट किया है मतलब उसके अमाउंट के हिसाब से 2.5% का चार्ज आपको देना होगा, लेकिन यहाँ पे मिनिमम पड़ेगा 500 रुपये, यानी 2.5% अगर कम है 500 रुपये से तो आपको जो है 500 रुपये पड़ जाएगा चार्ज, और अगर 500 रुपये जो है कम है 2.5% तो आपको जो 2.5% चार्ज पड़ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे चार्जेस लगने वाले होते हैं। पेमेंट रिटर्न चार्ज भी है 2% का, यानी 2% का आपको जो है आपके जितना भी पेमेंट अमाउंट है वो चार्ज पड़ेगा, लेकिन मिनिमम यहाँ पे भी 450 रुपये है। अब कैश प्रोसेसिंग फ़ीस भी यहाँ पे ली जाती है, तो कैश प्रोसेसिंग फ़ीस 100 रुपये है, और इसी तरीके से अगर आपका कार्ड जो है गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है या डैमेज हो जाता है, आप उसको री इशू कराते हो तो उसके लिए भी चार्ज है 100 रुपये, और फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन पे 3.5% का यहाँ पे आपको चार्ज पड़ने वाला है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप सैलरीड हैं तो मिनिमम एज होनी चाहिए 21 साल और मैक्सिमम 60 साल, और इसी तरीके से आप जो है बिजनेस वाले हैं, बिजनेस पर्सन हैं यानी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो यहाँ पे जो मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 65 साल। और आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपकी सैलरी जो है 10,000 से 15,000 तक है तब भी आपको ये क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही आसानी से इसका अप्रूवल हो जाता है, बहुत ही जल्दी ये मिल जाता है। और अगर जहाँ तक मैं जानता हूँ इनकम की बात करें तो 1 लाख से 1.5 लाख तक की अगर इनकम होगी तब भी आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये था HDFC बैंक का मनी बैक क्रेडिट कार्ड। मैंने इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी दे दी इस क्रेडिट कार्ड के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।